सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत ईद के मौके पर आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस कटरीना कैफ, दिशा पटानी और तब्बू भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। फिल्म के प्रति लोगों का क्रेज देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म भारत पहले दिन कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। फिल्म जबरदस्त एडवांस बुकिंग से ही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, टाइगर जिंदा है, संजू और सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वही पहले दिन की कमाई को लेकर ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि यह एवेंजर एंड गेम और बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। सलमान खान की भारत ईद के दिन यानी बुधवार को रिलीज हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि ज्यादातर जगहों पर बुधवार और गुरुवार को छुट्टी का दिन रहेगा। वही शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार को फिर छुट्टी मिल जाने की वजह से फिल्म को कमाई करने का अच्छा अवसर मिलेगा। आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी गुरुवार को ही रिलीज हुई थी जिसने पहले दिन 54 करोड़ की कमाई की थी। समीक्षकों द्वारा फिल्म को नकारे जाने के बावजूद पहले हफ्ते में उसकी शानदार कमाई हुई थी। इस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि अगर दर्शकों को सलमान खान या फिल्म पसंद नहीं भी आती है तो भी इसका प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार होने वाला है। एडवांस बुकिंग का आंकड़ा भारत के लिए इसलिए भी बढ़ जाएगा क्योंकि ईद के मद्देनजर मल्टीप्लेक्स में फिल्म के टिकट आम दिनों से काफी ज्यादा है। ऐसे में सलमान खान का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। फिल्म की पहले दिन की कमाई का सही आंकड़ा कल सुबह ही मालूम पड़ जाएगा। तब तक कयासों के आधार पर कहा जा सकता है कि फिल्म पहले दिन 40 से 50 करोड़ की कमाई करेगी। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.